एसडीएम पवन कुमार ने बांसगांव तहसील का कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में एसडीएम बांसगांव पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम बांसगांव का पदभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शासन की योजना को धरातल पर लागू किया जाए। इसके अलावा इस समय नगर निकाय चुनाव जिसका आगाज हुआ है उसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाना है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गाँव में चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिकों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव के नवागत एसडीएम पवन कुमार ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मेरे द्वारा बांसगांव का एसडीएम का पद ग्रहण किया गया है। इसमें मेरी प्राथमिकता रही है कि शासन के जो भी योजनाएं हैं उसको सही धरातल पे लागू करने के लिए, और साथ ही अभी नगर निकाय चुनाव जो हमारे सामने पहली प्राथमिकता है उसको शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से कराने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सर, बहुत से समस्याएं भी वहाँ पे बात बनाती लोगों की, किस तरह से जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा? देखिए, जन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम गाँव में चौपाल लगाएंगे और जिसमें समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी गण आएंगे और मौके पे ही तत्काल समस्या का निस्तारण कराया जाएगा।